क्योंकि 22 साल से हम बहने आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं और हमें वेतन मात्र 8,000 रुपए ही मिल रहे हैं। बंद है आंगनवाड़ी, सब बहने आंगनवाड़ी बंद करके यहाँ पे आई हुई है। 16 दिसंबर को हमारा धरना जयपुर में रहेगा, हम सरकार का घेराव करेंगे। राजसमंद में जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नियमित करने की मांग को लेकर धरना दिया और सरकार को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए जिला कलेक्टर नीलाब सक्सेना को ज्ञापन दिया। बताया कि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 16 दिसंबर को जयपुर में सरकार का घेराव किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश पालीवाल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ जिलाध्यक्ष मधु सालवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्री में एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार को चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और खुलकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार को चेताया कि वे जल्द उन्हें नियमित करें, वरना आने वाले समय में उन्हें वापस सरकार सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि या तो परमानेंट कीजिए या हमारा मानदेय जो 18,000 हमारा मानदेय आप कर दीजिए, और जो बहनें रिटायर हो रही है उनको 5,00,000 रुपए हर महीने 5,000 रुपए हम उन्हें पेंशन के रूप में आप हमें दे दीजिए। बस ये दो मांगे लेके आज हमने यहाँ पे धरना दिया है। 16 दिसंबर को हमारा धरना जयपुर में रहेगा, हम सरकार का घेराव करेंगे। अगर सरकार मान जाती है तो हम सब बहनें आराम से उनको वापस लाएंगे, बाकी हम उनका घेराव करेंगे। और ये मतलब महिला शक्ति है, कुछ भी कर सकती है। राजसमंद जिले में 1167 आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिन भर ताले जड़े रहे और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजसमंद जिला कलेक्ट्री एकत्रित हुई, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के जिला महामंत्री कल्पना जोशी, भामसे जिला महामंत्री फतेह सिंह राव सहित बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी। अब देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या दिक्कत हैं और आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है क्या और क्या क्या काम करते हैं और कितने समय से वो संघर्ष कर रहे हैं, इसको लेकर जयवर्धन न्यूज़ की यह खास पेशकश। सरकार अंधी और बहरी है। ज्ञापन देकर सरकार को चेताया गया कि अगर समय रहते सरकार नहीं मानी तो 16 दिसंबर को सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी पूरे राजस्थान के जयपुर और वहाँ सचिवालय और मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा। राजसमंद के जिला कलेक्ट्री के द्वार पर यहाँ पर आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो छोटे बच्चों को स्कूल से पहले नौनिहालों को स्कूल में उनको प्राथमिक शिक्षा जो मिल जाती है, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उनके पोषण के को लेकर जो मुख्य जो सीढ़ी है बच्चों की वो है आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या क्या कार्य करती हैं, सबसे पहले हम ये यहाँ की जो आंगनवाड़ी संघ के जिलाध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं कि आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है क्या और वो कब से क्रिएट हुई हैं, उन्हें सरकार की तरफ से क्या मानदेय दिया जाता है। नमस्कार, आपका क्या नाम है पहले? मैं जी मधु सालवी, राजसमंद जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ। आप सबसे पहले ये बताइए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है क्या, वो क्या काम करती है? वो जितना भी काम होता है पंचायत लेवल का, चिकित्सा विभाग का, बाकी जितने भी विभाग है उन सब का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को थोप दिया जाता है। और उसके मुख्य रूप से मेन काम क्या है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? आंगनवाड़ी मुख्य रूप से 6 सेवाएं देने के लिए बनी है, लेकिन उसके उपरांत उनको सभी काम थोप दिए जाते हैं। 6 सेवा में क्या क्या चीज़ है? पूरक पोषाहार है, शालापूर्ण शिक्षा है, और स्वास्थ्य सेवाएँ है, टीकाकरण है, ग्राम का जो बाकी काम है वो गृह संपर्क है उसमें सभी आगे। इसके जैसे अपने राजसमंद जिले की अगर बात करें तो राजसमंद जिले में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं और लगभग अंदाज से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और ये बताएं? पूरे राजसमंद जिले में 1177 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 8 ब्लॉक में लगभग 5,000 बच्चे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपको मुख्य रूप से जो आपका 6 पॉइंट की जो काम है उसके अलावा अदर काम आपसे क्या करवाया जाता है? बाकी सभी विभागों का काम, 24 विभाग के काम हम करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे चिकित्सा विभाग का काम होता है वो आशा करती है, उसके अलावा भी हमको थोप दिए जाते हैं। अच्छा, टीकाकरण उसके लिए तो अलग से चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा है, ठीक है,
और उसके काम भी हमको थोप दिए जाते हैं। जैसे अभी आयुष्मान की सर्वे दे रखी है, ठीक है, चिरंजीवी की सर्वे दे रखी है, और बाकी जो भी काम होता है वो हम लोगों से करवाए जाते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं हम, आप इनके संघ के जिला महामंत्री हैं, उनसे बात करें, आप ये बताएं कि आपको आखिर इसके तहत तो मानदेय कितना मिलता है, अलग अलग सभी कार्यकर्ताओं की ये क्या कैटेगरी है? हम सभी बहनों को 8,500 मानदेय मिलता है, और जो सहायिका है उन बहनों को 4,500 मानदेय मिलता है। इसके बदले में इतना काम करते हैं सभी बहनें, हमारी ड्यूटी मतलब ड्यूटी तो 4 घंटे की, पर हमसे 8 घंटे काम कराया जाता है। 12 बजे 4 घंटे ड्यूटी करने के बाद 2 घंटे हमें गांव में सर्वे का काम दिया जाता है, उसका अलग से कोई मानदेय नहीं है, वो काम भी हमें करना पड़ता है। पंचायत से किसी सर्वे का काम कर दिया तो वो भी हमें करना पड़ता है। हर पल हर समय कोरोना काल में हमने हम सब बहनों ने काम किया, मगर सहयोगियों को 6,000 मिले, हम कार्यकर्ता को 1 रुपया भी नहीं मिला। आपकी मुख्य रूप से जो जो बताया 6 पॉइंट है काम के, उसके अलावा दूसरे जो काम है वो उसी समय में करवाते हैं या अलग टाइम में? अदर समय में। आपके मुख्य टाइम क्या है ड्यूटी का? अभी अभी 10 से 2 है। बाकी जनरल टाइम में क्या रहता है? बाकी 8 से 12। और बाकी इसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत है या दूसरे जो भी आपने बताया सभी विभाग काम करवाते हैं, तो उसमें आपका कितना समय जाए? वो 10 से 5 का करना ही पड़ता है, सर्वे करनी पड़ती है, मीटिंग लेनी पड़ती है, सब वो वही बिठा के रखते हैं फिर हमको सर। हाँ, तो कुल मिला के जैसे आप ये है कि आपको जो मजदूरी दी जा रही है वो जो बहुत ही कम है, यही है मुख्य मुद्दा है। आपने एक नरेगा वाले को मिलते हैं रुपए, इतने में हम मजदूरी हमें नहीं मिलती उतनी भी हमको। ये जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं गवर्नमेंट, इनका मुख्य रूप से ये है कहना है कि जो आंगन नरेगा में जो रोजगार मिलता है मजदूर, उससे भी कम मजदूरी मिलती है। इसके लिए हम बात करते हैं, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे साथ में हैं, दिनेश जी पालीवाल, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो कब से ये संघर्ष चल रहा है और इसके समाधान के लिए बामसे भी क्या प्रयास कर रहे हैं। संघर्ष बहुत टाइम से लंबे समय से चल रहा है ये, और आंगनवाड़ी कर्मी जो है वो देश का भविष्य बनाने वाली एक संस्था है, और उसके अंतर्गत ये जितनी भी बहनें काम करती हैं वो जब बच्चा से जन्म से लगाकर मृत्यु तक उसका सारा रिकॉर्ड आंगनवाड़ी में रहता है, और जब से वो 3 साल का होता है तब से उसका वहाँ आना जाना आंगनवाड़ी में चालू होता है, और प्राथमिक शिक्षा उसको पूरी दी जाती है। उस प्राथमिक शिक्षा में सारे संस्कार जो उसको बच्चे को मिलेंगे वो वहाँ से मिलेंगे। वो 5 साल का 6 साल का जब होगा तब तक उसको जो संस्कार मिलते हैं, जैसे माता पिता के जो संस्कार मिलते हैं, वो ये मेरी आंगनवाड़ी की बहनें उनको संस्कार देती है। आंगनवाड़ी की नींव बच्चों से, और आंगनवाड़ी की जो नींव है वो बच्चों की जो नींव है वो आंगनवाड़ी से ही शुरू होती है, और आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को बिल्कुल एक तरफ डाल रखा है सभी सरकारों ने। मैं किसी सरकार विशेष का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी सरकारें जो आई है उन्होंने ये किया, और मुख्य रूप से मेरा ये कहना है कि गहलोत सरकार ने जब चुनाव थे सत्ता में जब आए उन्होंने ये वादा किया था कि आंगनवाड़ी कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, लेकिन आज दिन तक 4 साल गुजर चुके हैं, क्या साल भर उनका लास्ट रहा है, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है, 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से और यही मांग है कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से यही मांग है कि इनको शीघ्र से शीघ्र परमानेंट करें, अगर परमानेंट नहीं की तो भारतीय मजदूर संघ को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी होगा वो पूरी सरकार जिम्मेदार होगी, उसके लिए ये बहनें जिम्मेदार नहीं होगी। इन बहनों की वाजिब मांग है, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ पूरा संघर्ष करेगा, और सरकार समय रहते सुने, अन्यथा उसको इसका कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे सुना कि बच्चों की जो प्राथमिक रूप से बच्चे के मानसिक व शारीरिक विकास जहाँ होता है, उसी समय से एक तरह से इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चे की प्रथम माँ के बाद दूसरी गुरु भी कहा जा सकता है, जो कि उनके संस्कारित करते हैं, किस तरह से उनको लालन पालन करके उनको शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बना के उन्हें स्कूल के लिए तैयार करते हैं। लेकिन इनकी जो खुद की जो दुर्दशा है कि इनको काफ़ी अल्प मानदेय मिल रहा है, और न ही ये नियमित कर्मचारी हैं, और इनके सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। कई बहनें हैं जो अभी तक रिटायर भी हो चुकी हैं, जो उनके न तो कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोई उन्हें सहायता राशि मिली है और न ही उन्हें कोई परिलाभ। अब हमारे साथ हैं बामसे के जो जिला महामंत्री हैं फतेह सिंह जी राव, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये जो संघर्ष चल रहा है आगे कहां तक जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज
सोशल सेफ्टी के नाम पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ देखा जाए तो नरेगा के जो मजदूर लोग काम करते हैं और नरेगा के अलावा भवन निर्माण और निर्माण के संबंधित लोग जो काम करते हैं उनको सोशल सेफ्टी सुरक्षा पूरी दी जाती है, उनको बीमा दिया जाता है, उनको सारे राइट्स दिए जाते हैं, उनको बच्चों को वो दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक सुविधाएं दी जाती है। और ये बने नरेगा का एक मजदूर अगर 90 दिन काम करता है तो उसको पूरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। और हमारी ये बहनें 40-40, 45-45 साल से काम कर रही है, उनके पीछे उनको कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। रिटायर्ड होने के बाद में उनको ना तो कोई इनको सरकार ने जो नियम बना रखे हैं कि जैसा नरेगा की बात की तो नरेगा में ये सिस्टम है, कोई भी मजदूर अगर कार्य करते हुए डेथ हो जाती है तो उसे 50,000 रुपये उसके परिजनों को मिलता है, क्या ऐसा सिस्टम? नरेगा में ये सिस्टम है कि नरेगा का अगर 90 दिन नरेगा के कर्मचारी ने अगर मजदूरी की है और उसका लेबर कार्ड बना हुआ है तो उसको 9,80,000 रुपये मिलते हैं। और 9,80,000 रुपये ये भवन निर्माण और सहनिर्माण कल्याण बोर्ड से 5,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा के 2,00,000 और 80,000 रुपये आम आदमी बीमा के, कुल मिलाकर 9,80,000 रुपये इनको मिलते हैं। और इन हमारी जो बहनें लंबे 40-50 साल से संघर्ष कर रही है उनको सामाजिक सुरक्षा कुछ भी नहीं मिल रही है, जबकि सरकार का एक नियम है कि कोई भी सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या संस्था हो, किसी भी प्रकार के 10 कर्मचारी अगर काम करते हैं या 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उनको ईएसआई की सुविधा दी जाती है, प्रोविडेंट फंड पीएफ काटा जाता है, ग्रेजुटी दी जाती है, बोनस दिया जाता है, ओवरटाइम का पैसा दिया जाता है, ये सारी चीजें इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर इनका हिसाब सारा हिसाब लगाया जाए, एक तरह से जो लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट में हर व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, एक तरफ सरकार खुद इसकी पालना के लिए सभी संस्थाओं को पाबंद करती है और दूसरी तरफ सरकार की ये संस्था है आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो है उन इस तरह से क्या ये शोषण हो रहा है इनका? इनका इतना शोषण हो रहा है कि सरकार ने पहले बनाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार है। सरकार को ये चाहिए कि सरकार ने अभी एक ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 बनाया था, उसके अंतर्गत ये नियम बना हुआ है कि अगर कोई भी मजदूर लोग 6 महीने से अधिक तक अगर एक ही संस्था या किसी काम कार्य करते हैं तो उसको 6 महीने से ऊपर अगर वर्क होता है तो उनको रेगुलर माना जाए। इनको तो 40-40, 50-50 साल हो गए, फिर इनको रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी कि इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, बोनस नहीं दिया जा रहा है, ग्रेजुटी नहीं दी जा रही है, ओवरटाइम काम करवाया जा रहा है तो वो भी नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जितने भी श्रम नियम कानून हुए उनको राइट, उनको अधिकार से वंचित किया गया है। धन्यवाद बहुत। आपने देखा किस तरह से राजसमंद जिले में करीब 1167 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रही हैं और वो अभी भी वर्षों बाद भी न्यूनतम अपने मजदूरी को भी तरस रहे हैं। आपने देखा अब ये इन्होंने अंतिम चेतावनी दी है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि जल्दी उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे जयपुर में उग्र आंदोलन करेंगे। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।